ये हमारा कन्वेक्स लेंस का एक एक्सपेरिमेंट है जो दिखाएंगे अभी हम। तो यहाँ पे हमने नीडल रखी है, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है और ये हमारा फ्लैश लाइट है। तो फ्लैश लाइट यहाँ पे किस चीज का काम कर रही है, टॉर्च का काम कर रही है। तो यहाँ पे हमने बीच में एक नीडल रखी है, नीडल का क्या यूज होगा यहाँ पे कन्वेक्स लेंस में, क्या होता है आपका जितना ज्यादा दूर हम इस स्क्रीन को लेके जाएंगे, क्योंकि कन्वेक्स लेंस में आपकी क्या बनती है, स्क्रीन पे इमेज बनती है, रियल इमेज है तो स्क्रीन के ऊपर बनी। तो पेपर को हमने एज ए स्क्रीन यूज किया, स्क्रीन में अब क्या होगा, अब हम इसके पास लेके आएंगे। तो आपको यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे देखो इसमें दिख रहा है आपको लेंस के बीच में आपको एक नीडल की इमेज दिख रही है। जितना हम पास लेके जाएंगे उतना हमें इमेज बड़ी होती जाएगी और क्लियर दिखेगी। जितना हम दूर लेके जाएंगे इसको, स्क्रीन को हम दूर लेके जा रहे हैं तो इमेज आपकी छोटी होती जा रही है और एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। तो ये देखो बिल्कुल छोटा सा दिख रहा है हमें, तो फ्लैश लाइट बिल्कुल जितनी है उतनी ही दिख रही है हमें, बिल्कुल छोटी सी दिखाई दे रही है। अब अगर हम इसको और दूर लेके जाएंगे, यहाँ पे कन्वर्ज हो गई है, बिल्कुल एक पॉइंट पे बन चुका है। अगर हम इसको और दूर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो इमेज है वो धुंधला होता जाएगा और धुंधला होने के साथ साथ ये इन्वर्टेड हो गया, यानी कि उल्टा हो गया बिल्कुल। जब यहाँ पे नीडल क्या थी, सीधी थी, यहाँ पे कन्वर्ज पॉइंट यानी कि फोकल लेंथ के फोकल पॉइंट के बीच बाद फोकल पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, स्क्रीन के ऊपर इमेज धुंधली होती जा रही है और बड़ी होती जा रही है, ये नीडल हमारी बड़ी होती जा रही है। और जितना दूर लेके जाएंगे देखो, तो अब देखो जो इमेज है वो हमारी धुंधली भी हो रही है और बड़ी भी होती जा रही है, मैग्नीफाइड हो रही है और धुंधली हो रही है अब, और इन्वर्टेड भी है, ये उल्टी हो रही है। तो अब यहाँ पे ये पूरे एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है, यानी कि इतनी जो डिस्टेंस है लेंस से स्क्रीन का डिस्टेंस है, इसकी फोकल लेंथ है, क्योंकि जितनी भी पैरेलल रेज आ रही थी वो सारी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है। अब जितना हम पास लेके जाएंगे ये सीधी हो जाएगी। तो ये चीज क्या बताती है कि कन्वेक्स लेंस हमारा जितना हम दूर लेके जाएंगे स्क्रीन को, डिस्टेंस बढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा, एक तो इन्वर्टेड होगी और मैग्नीफाइड होगी और रियल होगी, क्योंकि ये अभी इमेज आपको दिख नहीं रही, जब तक आपको स्क्रीन नहीं बनाओगे इसके ऊपर, स्क्रीन आगे नहीं आएगी तब तक वो चीज दिखाई नहीं देगी। तो ये है, आया समझ, कर लो। टॉर्च ऑफ लाइट क्या लिया है, फोन की टॉर्च या फ्लैश लाइट ली है। तो अगर हम इसकी जगह कैंडल रखते ना, तो कैंडल में क्या होता है, जो कैंडल की जो फ्लेम है वो यहाँ तक तो सीधी दिखती है, लेकिन उसके फोकल पॉइंट के बाद अगर हम लेके जाते तो वो फ्लेम क्या हो जाती है, आपकी अपोजिट हो जाती है, उल्टी हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, ठीक है। तो कैंडल इसमें हमें उल्टी दिखाई देती है। अब हमें जो टॉर्च लाइट है वो तो उल्टी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन बीच में जो हमने नीडल रखी है वो बता रही है कि नीडल की जो पोजीशन है देखो उल्टी हो गई है, अब नीचे पॉइंट कर रही है और जितनी हम दूर लेके जा रहे हैं इसको धुंधली हो रही है, बड़ी हो रही है, ठीक है, और अपोजिट हो गई यानी कि रिवर्स हो गई, उल्टी हो गई है बस। और अगर यहाँ पे कैंडल होती तो हमें वहां कैंडल उल्टी दिखाई देती, ऐसे लगता कि नीचे की तरफ ग्लो कर रही है उसकी फ्लेम, इमेज को जितनी हमें धुंधली हो रही है क्लियर दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। तो अगर इसी इमेज को हम अंधेरे में दिखते ना तो हमें यहाँ तक भी क्लियर दिखाई देती है, अंधेरे में क्या होता है यहाँ पे अब आसपास से रोशनी आ रही है हमें क्लियर दिखाई नहीं देती, तो हमें ज्यादा सोर्स ऑफ लाइट की जरूरत है, समझ रहे हो। लेकिन अगर इमेज को अंधेरे में देखते तो ये बहुत ही क्लियरली दिखाई देती है।